ये बैटआउट सिग्नल कब निकलता है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे, उसके बेस पे हम ऊपर जाते जाएंगे। अब बैटआउट देखते हैं कहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं। बैट आउट, बैट आउट। देखिए यहां पे ये बैट आउट सिग्नल निकल रहा है, यहां से निकल रही है, ये कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा इसको समझते हैं। ये VMB2 मैंने बोला था ना 12 वोल्ट, हाँ 12 वोल्ट। हाँ ये हमारा 12 वोल्ट है, ये हमारा 12 वोल्ट है। तो अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है तो ये पॉइंट पे कितना होगा, ये डिवाइडर बन डिवाइडर जाएगा ना, हो जाएगी। डिवाइडर बन के आपके, आपने तो मोबाइल में एक्सेस किया अभी ना, हाँ तो ठीक है मैं ही मोबाइल में देख लेता हूँ। ये 3.12 कुछ आता है, ठीक है तो मान लेते 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.समथिंग वोल्ट है ये, आप निकाल लेना बाद में। 3 वोल्ट यहाँ पे, अगर 3 वोल्ट है, अच्छा ये क्या है, ये हमारा कॉम्पेरेटर है ना, LM393, इसका डेटा शीट निकाल लीजिएगा, इसको मैंने बताया तो शायद, यही आईसी को मैंने बताया है, एक बार देख लीजिएगा। कॉम्पेरेटर में तो सिंपल एक बात है, अगर पॉजिटिव बड़ा है तो यहाँ पे कुछ सप्लाई आएगा, और अगर नेगेटिव बड़ा है तो कंपेयर 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 करेगा, जो बड़ा बस है बस वो करेगा। उसको उसको कैरी करेगा, नेगेटिव होगा तो इसको ग्राउंड कर देगा, बस इतना समझना है। हाँ तो अब क्या करना है, अब ये तो एक है हमको मिल गया 3 वोल्ट है, लेकिन इसको भी तो समझना पड़ेगा ये क्या है, ये कौन सा वोल्टेज है पहले हम लोग देख लेते हैं, ये वोल्टेज कौन सा है, कहाँ से आ रहा है, ये हम पहले देख ले कितना है ये वोल्टेज, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक रेफरेंस वोल्टेज है जो चार्जिंग आईसी में आप लोगों को आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल आपको समझने के लिए इतना भी जान लीजिए कि यहां से लगभग 2 वोल्ट निकलता है, 2 वोल्ट निकलता है चार्जिंग सेक्शन में, क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये 2 है वो 3 है, तो हमको यहां पे 2 वोल्ट मिल गया, जी यहाँ पे 3 मिल गया, ये 3 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन ठीक है हम लोग बस समझने के लिए करते हैं। अब अगर ये 3 वोल्ट है तब ये ग्राउंड हो जाएगा ना, ये ग्राउंड हो जाएगा, तो अगर ये 2 वोल्ट है ये 3 वोल्ट है तो ये बड़ा हुआ, सॉरी सॉरी उल्टा बोला, सॉरी सॉरी, ठीक है, अगर छोटा हुआ तो, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो क्या होगा, यहाँ पे एक पुलअप दिया गया है ना, जी सर। ये पुलअप वोल्टेज यहाँ पे मौजूद रहेगा, यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेगा ना, हाँ यहाँ पे 3 वोल्ट। 3 वोल्ट हमको यहाँ पे मिलेगा अगर पॉजिटिव बड़ा है तो। अगर ये 3 वोल्ट है, ये हमारा एन चैनल मॉस्फेट है, एन चैनल मॉस्फेट को अगर 3 वोल्ट यहाँ से मिल गया और सोर्स में अगर 0 वोल्ट है तो 0 से बड़ा है ना गेट, बड़ा अच्छा छोटा मॉस्फेट में ऐसे 4 से 6 गैप नहीं होता है, वो मैं जो बोला 4 से 6 बड़ा या फिर छोटा होता है, एन चैनल में 4 से 6 वोल्ट बड़ा होना चाहिए गेट में, वो बड़ा वाला मॉस्फेट 8 लेग वाला मॉस्फेट में मैंने बोला था, छोटा वाला मॉस्फेट में दो ढाई वोल्टेज भी ऊपर नीचे होने से हो जाता है काम, क्योंकि छोटा है। जी सर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये मॉस्फेट ऑन हो जाएगा और ये ग्राउंड हो जाएगा और ये नहीं निकलेगा, सही है ना, समझ पाए, ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो मुझे बोल दीजिएगा। ये बस इतना ध्यान देना है, यहां पे अगर कुछ सप्लाई है तो ये यहाँ पे ये वोल्टेज को ये ग्राउंड करने वाला है, क्योंकि मॉस्फेट ऑन हो जाएगा,
और ये यहां से निकलेगा ही नहीं, ये तो ग्राउंड हो जाएगा तो निकलेगा सर, नहीं, तो बैट आउट नहीं निकला। तो पहला केस हम लोग देखेंगे कि बैट आउट नहीं है, जीरो है। अब हम लोग ऊपर के सर्किट में जाएंगे, सो नीचे है। अब हम लोग इसको पहले देखेंगे, नहीं है ये, नहीं आ रहा है तो क्या होगा? अगर ये नहीं आ रहा है, अगर ये वोल्टेज यहाँ पे कोई भी सिग्नल या फिर वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो ये मॉस्फेट ऑन नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा, ये ऑफ रहेगा। अब दूसरे को, अब एसी ऑफ को समझना पड़ेगा हमको, एक एक सारे सिग्नल को समझना पड़ेगा। एसी ऑफ कौन है, एसी ऑफ कहां से निकलता है, एसी ऑफ समझने के लिए ये भी समझना पड़ेगा। बहुत आसान है, लैपटॉप मदरबोर्ड में अभी जो भी मैं बोल रहा हूं, अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें चार्जिंग सेक्शन में डिटेल में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सब आ रहा है चार्जिंग सेक्शन को कनेक्ट होके। तो इसीलिए, लेकिन अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसका कहां से है, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे। एसी ऑफ मतलब क्या है, जब भी एडाप्टर लगता है, सबसे पहले चार्जिंग आईसी के थ्रू आयो को एक इंफॉर्मेशन पहुंचता है कि एडाप्टर ओके है कि नहीं है, क्योंकि आयो ही चार्जिंग आईसी को एनेबल सिग्नल देता है चार्ज करने के लिए। ये हम चार्जिंग सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए आयो को पता होना चाहिए कि एडाप्टर ओके है कि नहीं, एडाप्टर का सारा स्टेटस पता होना चाहिए आयो को, और बैटरी का भी स्टेटस पता होना चाहिए आयो को, तो जाके ना, मुझे अगर पता ही नहीं है, मुझे अगर, तो मैं कमांड कैसे दूंगा, नहीं दे पाऊंगा। तो आयो को पता रहना है। तो अब देखिए, ये जो एसी ऑफ है, ये वो सिग्नल है, ये आयो से आता है, ये एसी ऑफ सिग्नल आयो से आ रहा है। ये तब देता है आयो जब आयो को पता चल जाता है कि एसी ओके नहीं है, मतलब एडाप्टर लगा हुआ नहीं है। एडाप्टर जब लगा हुआ नहीं है तब ये सिग्नल आता है, ठीक है? ये दोनों उल्टा है, बस इतना ध्यान रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये दोनों उल्टा है, ये है आयो बताता है कि एडाप्टर लगा हुआ नहीं है, और ये है जो आयो को बताता है कि एडाप्टर ओके है। अच्छा, मतलब ये अगर पहुंच गया, ये लिखा भी हुआ है PACIN, SCIN और AC ऑफ। हाँ, SCIN AC ऑफ, मतलब AC ऑन AC ऑफ कर दीजिए, खाली नाम अलग दिया गया है, ठीक है? तो ये अगर है तो एडाप्टर ओके है, और ये दोनों है, एडाप्टर ओके है तो ये तो आएगा ना। तो क्या होगा, मान लीजिए अब तो ये नहीं आ रहा है, ये अगर इधर आया, अगर एसी ऑफ है तो एडाप्टर अगर ऑफ है तो ये आया, इसको ये कर देगा, ग्राउंड कर देगा, ठीक है? तो अगर गलती से कोई सर्किट का गड़बड़ से, तब अगर पीएसी, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, नहीं दोनों एक साथ कैसे आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा। हाँ, तो वही बात है, लेकिन ये सब प्रोटेक्शन के लिए देते हैं उन लोग, अगर गलती से कहीं पे शॉर्ट होके कहीं से आ गया तो प्रोटेक्शन जैसे हो पाए। तो अब देखते हैं, अगर एसी ऑफ नहीं आ रहा है, एसी ऑफ नहीं आ रहा है, एडाप्टर अगर पीएसी इन आ रहा है, तभी ये मॉस्फेट ऑन होगा ना। ये मॉस्फेट ऑन हुआ तब ना जाके डिवाइडर बनेगा। बस ये आपको बस देखना है कि आप सोचिए कि ये सर्किट में आपको ये बोर्ड आया आपके पास, ये बोर्ड में अगर वी इन सेक्शन में प्रॉब्लम दिखा कि 19 वोल्ट अंदर नहीं जा रहा है, तो आपको ये डिवाइडर चेक करना है और ये मॉस्फेट चेक करना है, ठीक है? और ये गेट चेक करना है, पीएसी इन आ रहा है कि ये पीएसी इन, आप देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, ये यहाँ पे भी जा रहा है, इसको भी ये ऑन करेगा और इसको भी ऑन करेगा, ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं ऊपर, अब ये दोनों अगर ऑन हो गया है तो क्या, अब क्या होगा? सबसे पहले ये वोल्टेज यहां से क्रॉस कर रहा है, ये भी ग्राउंड हो जाएगा। तो ये अगर ग्राउंड हो गया, यहां पे जीरो वोल्ट होगा ना, जीरो, ये जीरो वोल्ट होगा, तो ये ऑन होगा क्या? नहीं, ये ट्रांजिस्टर नहीं, नहीं, नहीं होगा, क्योंकि ये NPN है तो ये ऑन नहीं होगा। अगर ये ऑन नहीं हुआ तो ये ऑन होगा क्या? ये PNP है, PNP, हाँ। इसको ग्राउंड चाहिए ना, ये ग्राउंड होगा तब जाके ऑन होगा, तो ये भी ऑफ रहेगा। ये दोनों अगर ऑफ रहा
तो इसके साथ इसका कनेक्शन नहीं बनेगा, ये पिन के साथ इसका, ये क्रॉस रहेगा, बस इतना सा, इतना ही इसका काम था, आगे हम देखेंगे। इतना इसका काम था कि ये इसके साथ इसका कनेक्शन हुआ, तोड़ दिया।